जी, आपका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। तो जी शाम के बज गए हैं, 6:15 के करीब का टाइम हो गया था। तो बहुत दिन हो गए थे मेरे को अपने गमले संभाले, और वही जैसे अब इतनी बुरी गर्मी पड़ती है, दिन में आते हैं और नीचे भाग जाते हैं, बस जो काम हुआ वो किया और चले जाते हैं। तो छत पे आके देखा तो छत का बहुत बुरा हाल हो रखा था, क्योंकि साइड वाले पेंट करवा रहे हैं, तो उन्होंने सारे हमारे गेट वेट्स जो तो एक्स्ट्रा सामान है ये गिरा हुआ था। कभी जब हमारे ऊपर भी बनेगा तो ये उसके लिए पहले ही ला रखे थे इसके पापा ने, जिस जंगले उंगले होते हैं, तो इन्होंने सारा यहाँ पे गिरा के और बिल्कुल ये पन्नी बिछा के इस पर पानी डाल रखा है, भर रखा है। और भाई डेंगू का बहुत बुरा जोर हो रखा है, तो इस वजह से भी और रस्सियाँ भी सारी ढीली कर दी हैं। तो मैंने देखा तो बहुत बुरा भी लगा, पर भाई जो काम हो तो करेंगे। तो मैं यही कह रही थी खुशी का, अगर वो आए तो पेंट करने के लिए उनको बोलना, आप पेंट करके भैया फिर से हमारा सामान सेट कर देंगे। तो मैं यही बातें खुशी के साथ बोल रही थी। तो जी अब मैं करूँगी अपने गमले की खुदाई, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैं गमले की खुदाई नहीं कर रही थी, और पानी दे दे के इसके ऊपर काई सी जम गई थी, तो वो अंदर पानी जा नहीं रहा था गमलों में, तो इसे बहुत कमज़ोर हो गए थे मेरे भैया, जैसे ये सब्जी है फूल वाले हैं, हर गमले कमज़ोर हो गए थे मेरे। तो जी अब इनकी सफाई करके ऊपर से सारी मैं इनकी जो काई वाली मिट्टी है सारी उतार दूंगी, और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी मैं एक्स्ट्रा मिट्टी इसके ऊपर डाल दूंगी। तो आज मैं यही करने के लिए आई हूँ, और भाई दिन में धूप होती तो करने का मन भी नहीं होता, तो जल्दी से नीचे भाग जाते हैं। तो आज टाइम है मेरे पास, कपड़े भी लेके जाएंगे और अपना ये काम भी मैं पूरा करके जाऊंगी। उस लाल वाले में तो बिल्कुल ज्यादा है, बगल वाले में बारिश होगी।
तो जी मैंने सारे गमलों में से जो काई वाली मिट्टी सारी वो उतार दी है, और जो एक्स्ट्रा भाई जैसे गमले में उग जाता घास वो वाला भी मैंने सारा उखाड़ दिया है। तो अब मैं गमले साफ़ करने के बाद मिट्टी डालने के बाद झाड़ू निकाल दूँगी यहाँ से, क्योंकि फिर मेरे को यहाँ पे डालना पानी गमलों में, नहीं तो ये मिट्टी यहीं पे ही चिप जाएगी, ज़मीन में ही लग जाएगी सारे। तो इसलिए मेरे को सारी मिट्टी पहले ही उठा दूँगी और फिर मैं यहाँ पे पानी डाल दूँगी। भाई ये एक्स्ट्रा पन्नी मैं ऊपर रखती हूँ, जैसे वो छत पे तो कूड़ा होता ही है, जो भी सर्फ की या पन्नियाँ आती हैं बड़ी बड़ी तो मैं इनको रख लेती हूँ, और इसके अंदर सारा कूड़ा हमेशा ऐसे ही डाल के मैं नीचे डालती हूँ कूड़ा। तो जी गमलों का तो बहुत दिन से सोच रही थी, और एक डेंगू का भी बहुत बुरा जोर हो रखा है, क्योंकि पानी ऊपर ही रुक जाता है तो पानी पे ही, साफ पानी पे ही डेंगू का मच्छर बैठता है, ये सबको पता है। तो ये देखिए खुशी नीचे का सीन दिखा रही है, मैं ऐसे ही मैं अपना काम लग रही हूँ, वो कैमरा कहीं कहीं अपना घुमा रही है। तो ये सारी मिट्टी मैंने डाल दी है और अब मैं सारे गमलों में पानी डाल दूँगी, इतना डालूँगी ताकि ज़्यादा भरे भी ना और खाली भी नहीं रहे, इस हिसाब से पानी डाल दूँगी। तो जी देखिए सारे गमले मेरे बिल्कुल मैंने साफ़ कर दिए हैं और पानी भी डाल दिया है, और मौसम बिल्कुल ऐसा है कि बारिश आ जाएगी तो सारे कपड़े मैं अपने लेके जाऊंगी। और वही बात है, कपड़े ले जाने के बाद फिर इनकी भाई तय प्रेस सब भी चलेगा, क्योंकि कल है जन्माष्टमी, तो सोच रही हूँ आज ही मैं अपना जो काम है मेरा बचा हुआ सारा काम अपना कर लूँगी मैं, कल तो फास्ट हो जाएगा और इस वजह से भाई ज़्यादा बोला भी नहीं जाएगा, मन भी नहीं करता, अब सबको पता होता है पूरा निर्जला व्रत होता है, कुछ भी नहीं इसमें लेना होता है। तो इस वजह से भाई मैं अपना काम आज ही समेटने की कोशिश करूँगी सारा। तो जी मेरे गमलों वाला काम तो सारा हो गया है और अब मैं अपने कपड़े समेट लूँ मैं, और खुशी कपड़े लेके जाएंगे आफ आफ करके। तो जी अब नीचे आने के बाद मैंने खाना भी चढ़ा दिया, अपना गैस पे बन रहा है, और इधर हम लग गए थे अपनी तय और प्रेस करने, बहुत सारे कपड़े प्रेस के हो रखे थे, तो भी ये मेरा प्रेस का सेटअप सेट हो गया है और खुशी अपने कपड़ों की तय कर देगी। तो जी अब मैं सबसे पहले कपड़े छाट दूँगी इसमें से भाई प्रेस के जो मेरे को करने हैं, और तय के खुशी के लिए अलग डाल दूँगी, क्योंकि प्रेस करने में आसानी हो जाएगी इससे, क्योंकि फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा। खुशी इसके साथ साथ अपने जैसे सीधे कर दी कपड़े, जो बटन करने बंद होते वो सब कर दी खुशी अपना, और मैं भाई मेरी प्रेस बीच में रुकेगी नहीं तो मैं अपना फटाफट फटाफट प्रेस करती रहूँगी। तो जी ये था मेरा व्लॉग, प्लीज़ बताना कैसा बना है। आज मैंने वो काम किए हैं छत पे जो भी मेरे बहुत दिन से मन में थे, रुके हुए थे तो करने ज़रूरी भी थे, और आज मेरा फाइनली काम हो गया। तो कल है जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी का फास्ट करेंगे। तो जी देखिए इतने कपड़ों की मैंने प्रेस कर दिया, कुछ रह रहे हैं इनको सारे प्रेस करके मैं उठूँगी, आज मैंने ठान लिया है। तो दो बार के कपड़े हैं मेरे, दो बार कपड़े धोए थे, दो बड़े कपड़े थे मेरे ये। तो इसलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक मेरी राम राम।